1.2 question number 3. Question number 3 है, which of the following sets are empty sets and why? अभी first question है A. A are all such A is a natural number smaller than 0. Natural number कहाँ से चालू होता है? 1 से. तो 0 से छोटा number हो सकता है natural number? नहीं, है ना? तो क्या लिख सकते हैं? There is no natural number less than 0. क्यों समझा? हाँ, natural number 1 से चालू होते, तो 0 से छोटा number होगा ही नहीं. Therefore, A is empty set. ऐसे लिख सकते हैं? Set A is empty set. ठीक है? अभी second question देखते हैं. Second question है, B is all such x, x is equal to, x square is equal to 0. तो अभी x square is equal to 0. That means what? That is x is equal to 0. X square भी 0 होगा, x भी 0 ही होगा. तो set B कितना आएगा? 0 आएगा कि नहीं? तो ये empty होगा क्या? नहीं. Therefore, set B is not empty set. हम लोग को वही देख रहा है ना, empty है या नहीं. अभी तीसरा क्वेश्चन क्या है? 5x minus 2 is equal to 0 and x is an element of n. तो अभी लिखते थे 5x minus 2 is equal to 0. That means 5x is equal to 2, minus 2 इधर जाके plus 2 हो गया. तो x is equal to 2 upon 5 आ गया, है ना? But उन्होंने क्या बोला है? But x is element of n और 2 upon 5 natural number है? नहीं है ना? तो फिर क्या होगा? Therefore set C is empty set, क्योंकि हम लोग उसमें नहीं लिख सकते ना आंसर, क्योंकि ये 2 upon 5 है, natural number नहीं है. 1.2 question number 4, write with reason which of the following sets are finite or infinite. अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, x इज लेस देन 10 एंड x इज अ नेचुरल नंबर. x इज लेस देन 10 मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है पहले बोलो. क्या है? फाइनाइट आएगा. ये क्या आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि ये भी कहेगा 1, 2 till 9 हम लोग नंबर्स लिख सकते हैं, तो वो लिखना है आपको. यहाँ पे जगह नहीं, मैं नहीं लिख रही हूँ. सेकेंड क्वेश्चन बी, y इज लेस देन -1 एंड y इज इंटीजर. इंटीजर्स कितने होते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं ना, तो आपको ये इनफाइनाइट हो जाएगा, फाइनाइट नहीं. तो क्या करने का? मैंने सिखाया था डॉट 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 करके -4, -3 ऐसे लिखते जाना है. ठीक है? मगर उन्होंने बोला -1 से बड़ा होना चाहिए, तो -2 तक ही आप लिख सकते हो, -1 नहीं लिखोगे. थर्ड क्वेश्चन, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th फ्रॉम योर स्कूल. क्या है? फाइनाइट, क्योंकि 9th स्कूल में बैच में कितने बच्चे मालूम है ना, इट इज फाइनाइट सेट. Set of people from your village. This is also finite set because village में, गांव में कितने लोग हम लोग काउंट कर सकते हैं. Next one, set of apprentices in laboratory. This is also finite. एक lab में कितने लोग काम करते, कितने apprentices है, वो समझ में आएगा. Set of whole number. Whole number तो कितने भी हो सकते हैं, जीरो से चालू हो जाते हैं कि नहीं, तो क्या होगा? Infinite. And set of rational number. This is also infinite.